So guys, welcome back to the new video in which we're going to talk about Dignics 05 rubber. So इस टेस्टिंग में मैं यूज़ करने वाला हूँ फैनजेंग डोंग ALC। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं Dignics 05 से काउंटर्स एंड टॉप स्पिन मार रहा था तो मेरे को ये फील हुआ जो ये बॉल है वो बहुत कंट्रोल वे में जा रहा है, बहुत स्पिनी है। जो टॉप स्पिन एक्यूरेसी है वो बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू Tinergy 05। जो जब टॉप स्पिन मारा था तो मेरे को ये लगा कि इसमें जो ड्यूअल टाइम है वो भी बहुत बेटर है, मतलब बॉल ज़्यादा से स्टिक ऑन कर रही है रबर पे, फिर जाके आपका वो बॉल शूट ऑफ हो रहा है अपने रबर से। आई नो इट्स नॉट मोर देन Tinergy 05, नॉट मोर देन MXP, बट एक डिसेंट पावर मिल रहा था वाइल हिटिंग टॉप स्पिन। बहुत पावरफुल टॉप स्पिन्स भी है एंड बहुत स्पिनी टॉप स्पिन भी है। जो टॉप स्पिन एक्यूरेसी है वो बहुत बेटर है इस रबर में। सो आगे चलते हैं लूपिंग पे। सो जब Dignics 05 से मैं लूप मारा था तो मैंने ये नोटिस किया जो स्पिन है वाइल लूपिंग वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो पा रहा है इस रबर से। सेकेंडली जो ड्वेल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है Tinergy 05 से। जब मैं लूप मारा था तो मेरे को ये फील हुआ जो ड्वेल टाइम है वो बहुत ज़्यादा है एंड जिससे आप अपने बॉल पर अच्छे से ब्रश कर पाओ, जिससे आप अच्छे से स्पिन जनरेट कर पाओ। एंड जो लूप जा रहा था वो बहुत ज़्यादा स्पिन ही जा रहा था, बहुत कंट्रोल वे में जा रहा था। सो आगे चलते हैं बैक एंड टॉप स्पिन की तरफ। जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मारा था मेरे को ये फील हुआ कि जो बैक एंड टॉप स्पिन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जा रहा है, बहुत पावरफुल है एंड बहुत ज़्यादा स्पिन ही है। आई नो इट्स नॉट फास्टर देन Tinergy 05 या फिर MX, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे। एंड जो पावर मिल रहा था आई नो इट्स नॉट मोर देन MXP और Tinergy 05। सो जब मैं इससे बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसका ड्यूअल टाइम है वो इसको बहुत ज़्यादा बेटर बनाता है। जब मैं इससे बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था तो बहुत कंट्रोल वे, बहुत स्पिनी एंड बहुत ज़्यादा पंच के साथ जा रहा था। सो आगे चलते हैं बैक एंड फ्लिक की तरफ। सो जब मैं Dignics 05 से बैक एंड फ्लिक मारा था तो मेरे को ये नोटिस हुआ कि मतलब जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा स्पिन ही जा रहा है, बहुत कंट्रोल वे में जा रहा है। जो स्पिन पोटेंशियल है इस रबर से वो Tinergy 05 एंड MXP से बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड जो एक्यूरेसी मिल रहा था फ्लिक मारने के टाइम में वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट था एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स, MXP हो गया या फिर आपका Tinergy 05 हो गया। जो ड्यूअल टाइम है वो भी बहुत हेल्प कर रहा था स्पिन जनरेशन करने के लिए वाइल बैक एंड फ्लिक। सो आगे चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं चॉप कर रहा था Dignics 05 से तो मैंने ये फील किया जो चॉप है वो बहुत प्यारा जा रहा है, बहुत एक्यूरेटली जा रहा है, बहुत चॉपी जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अंडर स्पिन मिल रहा था मेरे को चॉप करते हुए। मैंने इसको दोनों साइड पे यूज़ किया, फोर एंड पे भी एंड बैक एंड पे भी, दोनों साइड में सेम रिजल्ट्स ही थे। दोनों तरफ से ही मेरे को अच्छा स्पिन जनरेशन मिल रहा था वाइल चॉपिंग एंड जो चॉप का एंगल था वो बहुत ज़्यादा लीन जा रहा था एज़ कम्पेयर टू Tinergy 05 जिस पर थोड़ा ब्लोट होता है। जब मैं Dignics 05 से सर्विस कर रहा था तो मैंने ये नोटिस किया जो स्पिन जनरेशन है वाइल सर्विंग इट वॉज रियली गुड, इट वॉज बेटर देन अदर रबर्स, स्पेशली बेटर देन Tinergy 05, क्योंकि जो Tinergy 05 है उसमें इतना ग्रिपी टॉप शीट नहीं है एज़ कम्पेयर टू Dignics 05 में। Dignics 05 में एक थोड़ा फर्म टॉप शीट है जो आपको हेल्प कर रहा है आपका स्पिन जनरेशन वाइल सर्विंग। सो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर।
प्रोज कंट्रोल टॉप स्पिन एंड पावरफुल टॉप स्पिन बेटर ड्वेल टाइम वाइल लूपिंग कंट्रोल एंड पावरफुल बैक एंड टॉप स्पिन हैवी स्पिनिंग बैक एंड फ्लिक कॉन्स एक्सपेंसिव रबर ब्रिटल रबर रबर लाइफ इज लेस